नमस्कार, एफएनओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूँ डिब्बी कालरा और हमेशा की तरह आज हम फिर कनेक्टेड हैं आपके सामने एक ऐसा कार्यक्रम लेके जिसमें वायदा बाजार के शेयर्स में क्या हो रहा है, उसकी दशा दिशा क्या है और बाजार कैसे चलेगा आगे, इस पे काफी हद तक यही शेयर्स अब बताते हैं आपको कि मार्केट का मोमेंटम कैसे रह सकता है। तो इसी सिलसिले को शुरू करते हैं और सबसे पहले आज के मेहमान का स्वागत करते हैं। प्रशांत सावंत आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैटलिस्ट वेल्थ के, जो हमको बताएंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे हमको क्या करना चाहिए, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए दोनों इंडाइसिस को लेकर, और दूसरा हमारे शेयर्स को लेकर हमको कैसे ट्रेड लेना चाहिए, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। ठीक उससे पहले जरा एक बार ये समझ लेते हैं कि डाटा इस समय क्या कहता है और कौन कौन से ट्रेड है जिसपे हमको थोड़ा ध्यान रखना है, निफ्टी बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले जरा निफ्टी के डाटा पे आते हैं। 4% का ओपन इंटरेस्ट है। आज सुबह हमने गैप डाउन देखा, कल हमने गैप अप देखा, तो मार्केट ने दो दिन में यानी कि सिर्फ आज और कल में 48 घंटे के अंदर 100 पॉइंट का गैप अप किया, 100 पॉइंट का गैप डाउन किया। 100 पॉइंट के जब गैप अप हुए थे तो हम अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट करके नीचे आ गए। आज जब 100 पॉइंट से ज्यादा का गैप डाउन हुआ है, हमने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करके बाजार को रोक लिया। आज की गिरावट गैप डाउन के बाद बड़ी नहीं बल्कि थोड़ी कम ही हुई है। कल की बढ़त गैप डाउन के बाद थोड़ी कम ही हुई है, यानी मार्केट ने 100-150 पॉइंट के जो स्विंग थे, जो गैप अप और गैप डाउन के फॉर्म में मिले, काफी हद तक उसको एब्जॉर्ब किया है। यही चीज आज हम आपको नोटिस करवाना चाहते हैं कि FIs की सेलिंग, विक्स का खराब होना, थोड़ा सा ठंडा पड़ जाना और 100-100 पॉइंट के गैप अप और गैप डाउन में बाजार एक तरफा नहीं होता, वो रुक जाता है जो करता है। कल हमने आपको खरीदने से मना किया था, आज आपको बेचने से मना किया है और दोनों ही दिन हमारी रणनीति अभी तक बिल्कुल ठीक साबित हुई। खैर आगे बढ़ते हैं। एक बार जरा डाटा पे हम चर्चा कर रहे थे, वो ये है कि 4% का ओपन इंटरेस्ट है, 17,300 एक अच्छा बेस बना दिया निफ्टी ने। ये नहीं ब्रेक होता स्पॉट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, अगर आज क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेक नहीं होता तो मान लिया जाएगा कि 100-150 पॉइंट के गैप को मार्केट बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, आगे भी कर लेगा। इसके अलावा ट्रेंड अभी का क्या है, अभी तक तो देखो बिकवाली है क्योंकि कल की थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग थी, आज फिर गैप डाउन भी हुए थे, तो ट्रेंड अभी बिकवाली का, अभी शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड शुरू नहीं हुआ। ये हो सकता है सेकंड हाफ में या फिर कल आपको देखने को मिले, टिल अभी तक बिकवाली का ही ट्रेंड है। निफ्टी बैंक पे आ जाते हैं, 7% का ओपन इंटरेस्ट यहाँ है। अब अगर आप निफ्टी के कल के ट्रेड को देख रहे होंगे या फिर आज के ट्रेड को देख रहे हैं, दोनों में आपको निफ्टी में थोड़ी ज्यादा पावर दिख रही होगी और आज भी अगर आप देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी में आपको थोड़ी ज्यादा पावर दिख रही होगी, तो बैंक निफ्टी के साथ ही बने रहिएगा क्योंकि जो 7% का ओपन इंटरेस्ट है इसको ज्यादा वॉलेटाइल करके रखेगा। शॉर्ट कवरिंग भी पहले इसमें आएगी निफ्टी के मुकाबले। अगर आज कोटक बैंक नहीं टूटा हुआ होता तो आज बैंक निफ्टी हो सकता आपको हरे निशान में भी आ गया होता। ये तो कोटक की वेटेज है और कोटक बैंक टूटा हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है कि आज बैंक निफ्टी आपको उतनी स्पीड से ऊपर आता हुआ नहीं दिख रहा। बट एनी हाउ फिर भी 7% का बिल्डअप, वी वैम्प है 36,790। आज हमने आपको सुबह से डेरिवेटिव्स में दो आंकड़े दिए थे, एक 36,900 और एक 36,600। आप यकीन मानिए 36,600 से बाजार वापस पुल बैक हो गया और अभी इसको मेंटेन कर रहा है। इंपॉर्टेंट है आज 36,750-800 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाए तो घबराने की बात नहीं है। ट्रेंड इसका क्या है, हल्का सा बिकवाली का ट्रेंड है इसका, तो क्योंकि कल की प्रॉफिट बुकिंग है और आज थोड़ा गैप डाउन थे इसलिए ट्रेंड बिकवाली का बना हुआ है। अब मेरे साथ आज के मेहमान जुड़ गए, वो आपको बताने वाले हैं कि हमको करना क्या है, एक बार जरा उनसे समझ लेते हैं। प्रशांत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपका व्यू पॉइंट, आपने सोमवार को ये बात बताई भी थी कि बाजार जो गैप अप हो रहा है बाद में प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो जाएगा, हुआ, आज गैप डाउन हुए, मार्केट बेस बना रहा है, आपका व्यू पॉइंट। गुड आफ्टरनून सभी को, मेरा नमस्कार। सबसे पहली बात, जैसे कि आप हमेशा कहते हैं कि इंडिया विक्स पे ध्यान रखिए, तो अगर आप इंडिया विक्स देखें तो ये पता चल जाता है कि डेली मूवमेंट जो निफ्टी बेसिस पे वो कम से कम 100-150 पॉइंट की तो होनी है। आज उसके मुकाबले अगर मैं देखूं तो बाजार थोड़ा सा रेंज बाउंड चल रहा है और मुझे ये लग रहा है कि जो राय मैंने कल दी थी कि अभी फिलहाल जो बाजार में ट्रेंड चल रहा है वो सेल ऑन रैली का ही चल रहा है। कल भी वही हुआ, आज भी हर एक रैली जब भी मार्केट ऊपर आने की कोशिश कर रहा है उससे दुगनी वॉल्यूम से सेलिंग हो रही है, तो मैं इस बाजार में लॉन्ग्स अवॉइड करूंगा। एक बेसिक लॉजिक अगर मैं देखूं कल की क्लोजिंग और आज की ओपनिंग में जो गैप है, एटलीस्ट वो गैप फिल होने तक मैं लॉन्ग्स नहीं रखूंगा। और जहां तक शॉर्टिंग की बात है तो मैं फ्यूचर्स में शॉर्ट करना अवॉइड करूंगा क्योंकि एक रेंज बाउंड मार्केट है, बट एक छोटी सी ट्रेड मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ फिलहाल और स्मॉल क्वांटिटी में, वो होगी निफ्टी की जो 17,500 की पुट है वो करीबन 200-210 की रेंज में चल रही है,
इसमें मुझे स्टॉप लॉस बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, 160 के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं, और टारगेट मुझे लग रहा है कि अगर ये पिकअप हो जाए ये 310 315 तक जा सकती है, तो निफ्टी में मेरा थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग का व्यू है, इसलिए मैं ऑप्शन में ट्रेड सजेस्ट करूंगा। तो बता दीजिए फिर ऑप्शंस कौन सी जिसमें आप ट्रेड सजेस्ट करना चाहते हैं। जी 17500 की जो इस हफ्ते की पुट है करीबन 210 रुपए वो चल रही है, और मेरे हिसाब से इसको 160 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है, और इसमें मैं टारगेट जो देख रहा हूँ वो लग रहा है मुझे कि ये 310 से लेके 325 का टारगेट दिखा सकता है। ठीक है, तो इस ऑप्शंस के जरिए आप कह रहे हैं कि एक बार ट्रेड लिया जा सकता है। अभी भी आप थोड़ा बेरिश है मार्केट पे, आप ये कह रहे हैं कि जो भी पुल बैक मिल रहा है ये पुल बैक को आप एक सेलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो ऑप्शंस आपको दिख रही है अपनी स्क्रीन पर 17500 210 में आपको खरीदनी है, इसके अंदर 315 का टारगेट है, 160 का स्टॉप लॉस है, टाइट स्टॉप लॉस रखिएगा ऑप्शंस के अंदर। देखिए मार्केट के अंदर जो स्विंग है ना वो 150 से 200 पॉइंट का, विक्स 16% का है, 16% चल रहा है अभी विक्स, तो ये इंडिकेशन है कि रोज आपको 100 से 150 पॉइंट का स्विंग, वैसे भी इम्पाइल्ड वॉलिटिटी अगर आप 17000 के इंडेक्स पे 1% भी मानते हैं जो कि रोज आती ही है तो 170 पॉइंट तो वैसे ही हो गए। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़, बस इतना ही ध्यान रखना है कि हम कितने पॉइंट ऊपर खोलते हैं और कितना पॉइंट नीचे खोलते हैं, बस सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है। लेकिन आप मान के चलिए कि 150 से 200 पॉइंट हमको रोज ऊपर नीचे तो होना ही है, ये फिक्स है आपके लिए। फिलहाल इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, 160 का स्टॉप लॉस है, जो 17500 की पुट है, 16 दिसंबर वाली है, आज है 14 तारीख, तो आज का दिन मिला के आज का आधा दिन, कल का पूरा दिन और 16 तारीख का 3 बजे तक का ट्रेड है, 3 बजे कट जाएगा अपने आप ही, आप नहीं काटेंगे तो सुधा कट जाएगा, ठीक, क्योंकि रोल नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, प्रशांत जी बैंक निफ्टी पे कुछ बोलोगे या फिर सिर्फ निफ्टी से ही कंप्लीट करें? डिम्पली जी ये जो ऑप्शन में ट्रेड लेने की वजह मैं कह रहा हूँ कि फ्यूचर्स में ट्रेड करने लायक दिख नहीं रहा है, स्टॉप लॉस नहीं है, डायरेक्शन क्लियर नहीं है, उसी के साथ अगर हम पुट्स लेते हैं तो जो हमारे लॉन्ग कैश पोजीशन हो या किसी के लॉन्ग हो उसको एक हेज भी मिल जाएगा, इसीलिए एक छोटे रिस्क पे निफ्टी में ऑप्शन सजेस्ट कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी मेरा व्यू है कि करीबन अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूँ तो 37,050-37,100 की रेंज में फंसा हुआ है, एक बार ये 37,250 के ऊपर निकल जाए तब हम थोड़ा सा व्यू चेंज करके लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं, तब तक मैं कोई लॉन्ग सजेस्ट नहीं करूंगा और शॉर्टिंग के लेवल पे भी ये नहीं है, तो मैं बैंक निफ्टी को फिलहाल एक वॉच लिस्ट में रखूंगा और 37,250 के ऊपर फ्यूचर्स में मैं लॉन्ग जाना चाहूंगा। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, अब हम सीधा सीधा शेयर्स पर आ जाते हैं, जो हमारे शेयर्स की रणनीति है उस पर जरा हम समझ लेते हैं क्या करना चाहिए। आज के फ्रेश लॉन्ग शेयर्स यानी कि ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स, वो आपकी लिस्ट आपके स्क्रीन पे आएगी, औरबिंदो फार्मा और आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड ABFRL, एक इन दोनों शेयर्स को जरा चेक कीजिए और अपना व्यू पॉइंट दीजिए सर क्या करना चाहिए। फार्मा सेक्टर में डेफिनेटली काफी हलचल लग रही है, आज यूपीएन की मूव देखिए और मुझे लग रहा है कि काफी सारे स्टॉक्स फार्मा में ब्रेकआउट के लेवल पे पहुंचने को है, टेक सेक्टर में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए मैं डेफिनेटली ऑरो फार्मा के साथ ही जाना चाहूंगा, और फिलहाल ये चल रहा है 705-710 के रेंज में, इसे हम एक छोटे से स्टॉप लॉस यानी 685 के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं, बाय विद द स्टॉप लॉस ऑफ 685। इसका जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए वो होगा 745 के ऊपर, अगर ये डेली क्लोज दे दे तो हम सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस लेके आएंगे 730 पे और इसको होल्ड करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 800। मुझे बहुत अच्छा पोजिशनल ट्रेड लग रहा है और मुझे लग रहा है कि ये ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप अगर अरबिंदो फार्मा को यहाँ पे चुन दें सर, एक बार मेरे को टारगेट स्टॉप लॉस वापस से बताएंगे और फार्मा का एक बार वापस से बता दीजिए टारगेट और स्टॉप लॉस। डीपीटी बाय विद द स्टॉप लॉस ऑफ 685-685 और टारगेट फर्स्ट जो होगा वो होगा 745-745 के ऊपर क्लोज आ जाए डेली बेसिस, ये स्टॉक हमें तुरंत 800 के लेवल्स दिखा सकता है, बट फिलहाल रहेंगे स्टॉप लॉस एज 685 टारगेट 745। ठीक है, तो आपने अरबिंदो फार्मा और ABFRL में से अरबिंदो फार्मा का चुना, वैसे भी सेक्टर भी ठीक है, आज ल्यूपिन अरबिंदो फार्मा डॉक्टर रेड्डीज टॉरेंट फार्मा कैडिला सिप्ला
बायोकॉन, ये सभी के सभी शेयर्स आज मोमेंटम में है। आपने चुना है आज अरविंदो फार्मा 745-665 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना है, स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। ये डेरिवेटिव्स पे डाटा बिल्कुल ठीक नोटिस होते हुए और हमने आपके सामने ट्रेड में इसको कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अरविंदो फार्मा तो दोनों शेयर में से एक का चुनाव हो चुका है। खैर, इस बीच आप नीचे जो आंकड़े देख पा रहे हैं टिकर पे, वो बैक टू बैक इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं। दो तरह की इन्फ्लेशन होती है, एक थोक महंगाई दर जिसको हम कहते हैं, और एक रिटेलर की महंगाई दर होती है जिसको हम CPI कहते हैं। तो ये WPI के आंकड़े हैं जिसको होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। थोक का भाव आप सुनते होंगे कि थोक के रेट पे क्या है, तो कुछ कुछ वैसे आप समझिए। इसके अंदर आपके जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो बढ़ा हुआ दिख रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, आज मधुकिला से जब हम इंटरव्यू कर रहे थे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ईटी नौ स्वदेश के, तो वो पूछ भी रहे थे कि सबसे इंपॉर्टेंट पैक क्या है इस 2022 के अंदर, जिसको हम आगे नोटिस करेंगे, वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है। उन्होंने भी ये बात नोटिस करवाई थी, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। एक जमाना था जब WPI CPI के आंकड़े आते थे, बाजार उस पर बहुत तेज रिएक्शन देता था, क्योंकि अब माइक्रो इवेंट्स के अंदर बहुत सारे इवेंट्स और हो गए हैं, तो इसलिए इस पर ज्यादा गौर नहीं जाता। लेकिन फिर भी अगर आप खाद्य महंगाई दर देख पा रहे हैं ना, तो डबल हो गई है। ये करीब हुई है 6.7, ये 3% से, यानी कि खाने पीने का सामान महंगा हुआ है। इलेक्शन ईयर्स के अंदर खाद्य महंगाई दर का बढ़ जाना अच्छी बात नहीं होती है किसी भी प्रिवेलिंग गवर्नमेंट के लिए। इसको आप कनेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं। खैर, एनीहाउ, ये जो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर अभी आते रहेंगे, चलते रहेंगे, नीचे आप टिकर्स पे देखते रहेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट आंकड़े रहे थे। आगे बढ़ते, अब और शेयर्स पे लौटते हैं। अभी तक हमने तेजी वाले शेयर्स की कंप्लीट लिस्ट नहीं की है, उसमें शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पहला आएगा डॉक्टर रेड्डीज, दूसरा आएगा लाल पैथ लैब। इन दोनों शेयर्स के अंदर आज वापस शॉर्ट कवरिंग हुई है, स्पेशली आज इंटरेस्टिंग था लाल पैथ लैब। प्रशांत जी, जरा बताइए इन दोनों शेयर्स में से क्या आपको ज्यादा ठीक लग रहा है? दोनों के दोनों ठीक हैं तो वो भी बता सकते हैं, एक बताना चाहें तो वो भी बता सकते हैं। जी, सबसे पहले दोनों शेयर में एक डिफरेंस क्या है वो बता दूंगा मैं। अगर हम इसका डेली चार्ट देखें तो लाल पैथ लैब जो है वो एक सपोर्ट पे आके डिप ले रहा है, जो कि अच्छी बात है कैश में पोजीशंस बढ़ाने के लिए। बट उसी के सामने मैं जब डॉक्टर रेड्डीज देखूं तो इसने एक जो प्रीवियस सपोर्ट था इसको ब्रेक कर दिया था और ये फिर से अंदर आया, यानी कि इसने एक फॉल्स ब्रेक ऑफ सपोर्ट दिया हुआ था, जिसे कि हम टिपिकली टेक्निकल में बेयर ट्रैप कहते हैं। जब ऐसा होता है तब वो जो शेयर होता है वो बहुत जल्द उछाल लेता है। तो मेरा इन दोनों में इसी वजह से एक चुनाव होगा, डॉक्टर रेड्डीज की तरफ मेरा झुकाव ज्यादा होगा। और मैं इसको दो तरीके से ट्रेड करने की सलाह दूंगा। एक होगा जो कैश में इसको ट्रेड कर रहे, फिलहाल ये 4,635 के रेंज में चल रहा है, आप इसको बाय कर सकते हो। और जो डेली गैप आपको दिख रही है वो आप एज अ स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो, यानी 4,550 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए फॉर कैश। इसमें आप टारगेट रख सकते हो, फर्स्ट टारगेट एज 4,790 या 4,800। तो ये कैश में ट्रेड करने के लिए एक रिस्क वर्ड परस्पेक्टिव से होगा, बट क्योंकि ये एक बेयर ट्रैप हो चुका है, मैं इसमें एक बहुत तेज मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और इसीलिए एक ऑप्शन में ट्रेड करने का भी तरीका मैं देना चाहूंगा। तो वो होगा डॉक्टर रेड्डीज की जो 4,650 की स्ट्राइक प्राइस है दिसंबर की, 4,650, मैं इसे बाय करना चाहूंगा 100-110 की रेंज में। और इसको जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीबन होगा ₹70 का, आप 65 का भी रख सकते हो, क्योंकि सामने रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। मुझे लग रहा है ये अगर चल जाए तो हमें 225 से लेके 250 के लेवल्स दिखा सकता है। तो इन दोनों तरीके से हम डॉक्टर रेड्डीज को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके आपके स्क्रीन पर आ गए। 195 का टारगेट, अगर आप एट द मनी जहां पे खड़े हो उसी की ही कॉल ले लो। हम कहां पे खड़े हैं जी? हम खड़े हैं 4,650 पे, वहीं की कॉल ले लो। और आपको कहां पे मिलेगी? ₹110 में मिलेगी। 195 का टारगेट है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। जाएंगे पैसे कितने आपके? ₹30, यानी कि 31:3 की रेशियो में है ये। ये तो सौदा हो गया ऑप्शंस का। दूसरा, बोले जी हम ऑप्शंस में ज़्यादा काम नहीं करते, हमको समझ में नहीं आते, हमको सीधा सीधा बताइए क्या करना है। तो सीधा सीधा बताने का मतलब यह है कि ₹4,800 तक का टारगेट आ सकता है, 4,550 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। आप एक शेयर ले, 10 शेयर ले, अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के जरूर ले। तो ये हमने टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर रख दिया। आप चाहे कैश में ट्रेड करें, फ्यूचर में ट्रेड करें या ऑप्शंस में ट्रेड करें, डॉक्टर रेड्डीज इस समय ठीक दिखता है। आज मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट भी आई थी, उन्होंने भी 5,400+ तक के टारगेट्स दिए। और ये सेक्टर भी चर्निंग है, आपको पता ही आ जाता है, फार्मास्यूटिकल्स और लाल पैथ लैब और इस तरह के लैब्स वाले शेयर चल रहे हैं। तो डॉक्टर रेड्डीज दूसरा शेयर है जो हमारा चुनाव हो गया, पहला अरविंदो फार्मा था। तो तेजी वाले शेयर्स में से ये शेयर हमने ढूंढ लिए, समझ लिए, आपके सामने रख दिए। आगे बढ़ते हैं, फ्रेश शॉर्ट्स की कैटेगरी में आते हैं।
जहां पे मंदी के सौदे खुले हैं या फिर आज जहां पे मंदी दिख रही है? सर दो शेयर आपके स्क्रीन पर आएंगे, पहला आएगा क्रॉम्पटन, ये टूटा है और अपने 200 दिन की एवरेज को तोड़ के नीचे आ रहा है। दूसरा है नौकरी, जिसको इन्फो एच कहते हैं, नौकरी इसका कोड है। इन दोनों शेयर्स पे जरा चेक करके बताइए डाटा क्या कह रहा है। पीपी जी, सबसे पहले मैं कहूंगा कि इस बाजार में ये दोनों शेयर को चुनना बहुत अच्छा चुनाव हो चुका है। इन दोनों में जो ज्यादा वीक लग रहा है उसकी वजह के साथ मैं बताऊंगा, वो क्रॉम्पटन है। अगर आप देखो तो इसका एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है 417 पे, बट एक गलती जो हम हमेशा करते हैं वो होता है कि 417 के नीचे एक टिक चला जाए हम उसको शॉर्ट करते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा वेट करने की राय दूंगा, और जिस वक्त ये स्पॉट में, यानी अभी ये 416 चल रहा है, ये 410 को ब्रेक कर दे तो इसकी जो 400 की पुट है वो अभी फिलहाल 6 रुपए चल रही है, तभी करीबन वो 7-7.5 हो जाएगी, उसको आप बाय कर लो और स्टॉप लॉस लगा 2 रुपए का। टारगेट आपको उसमें मिल सकता है 20 रुपए का, ये होगा एक तरीका। और जिनको इसको फ्यूचर्स में शॉर्ट करना है वो 410 के नीचे इसको सेल कर दे, स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 421 और टारगेट आप इसमें देख सकते हो 380। इस सपोर्ट को तोड़ने पे ये स्टॉक बहुत तेज नीचे गिर सकता है, तो इसलिए इन दोनों में मैं क्रॉम्पटन को चुनूंगा। ठीक है, डन। एक चीज मैं आपको और नोटिस कराऊंगा जो इसी कार्यक्रम में घटी है, वो घटी है बैंक निफ्टी की मोमेंटम। आप ना 3 शेयर फायर कीजिए, पहला कोटक जिसके साथ हमने शुरुआत की थी, जल्दी जल्दी दिखाते जाइएगा, दूसरा होगा ICICI और तीसरा होगा आप SBI। इन तीनों शेयर्स को दिखाइए और ठीक 12 बजे से पहले इन शेयर्स के अंदर एक अच्छा मोमेंटम आया और बैंक निफ्टी ने बहुत ही स्पीडली 37,000 के लेवल को भी पा लिया है। ये आप अपनी स्क्रीन पे सारे शेयर्स देख लेंगे, ये इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, आपको बहुत संभल कर ट्रेड करना होगा मार्केट के अंदर, जो शेयर का इंडाइसिस है जिससे कंपोनेंट बने हुए हैं वो सब एकदम से सडन स्पाइक दिखाते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ठीक 12 बजे से पहले चला, ICICI बैंक आप दिखाइए निचले लो से चला होगा, और तीसरा SBI है। ये तीनों शेयर्स आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। खैर, यहाँ एक नोटिस करने वाला पॉइंट था जो हमने आपको नोटिस कराया। अब आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और शेयर्स पे आते हैं। सर जल्दी से जरा DLF और NMDC भी देख लीजिए, इनमें अनवाइंडिंग का प्रेशर है। ज्यादा खतरनाक स्थिति हमको NMDC की दिख रही है। डीपी जी, NMDC तो गैप डाउन ही हो चुका है और इसमें अभी फिलहाल अगर हम शॉर्टिंग की भी सोचे तो रिस्क रिवॉर्ड फेवर नहीं करेगा। इसी के सामने मैं जब DLF देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड दिखाई दे रहा है और मैं कह सकता हूँ कि ये फिलहाल 410 चल रहा है, इसको आप बेच दीजिए विच स्टॉप लॉस ऑफ 420 और इसमें आपको टारगेट मिल सकता है 390 के करीब। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मुझे DLF बेटर लग रहा है। ठीक है, तो DLF का फिर टारगेट स्टॉप लॉस दे दीजिए। वैसे तो इसमें एडजस्टमेंट भी है जो डिविडेंड की हुई है, इसलिए NMDC आपको थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, बट फिर भी आप DLF का फिर टारगेट स्टॉप लॉस दीजिए अगर आपको वीक लग रहा है तो। सर जी, दोनों ही रेजिस्टेंस से टकराए शेयर्स और DLF का स्टॉप लॉस मैं रखूंगा 420 420 और इसका टारगेट रखूंगा फर्स्ट टारगेट एस 380 और उसके नीचे मुझे लग रहा है कि ये और वीक हो जाएगा, चांसेस बहुत कम है 380 टूटने के, क्योंकि ये सेक्टर इस साल के लिए अच्छे से पिकअप हुआ है। ठीक है, जल्दी से आप मेरे को ना, मैं तेजी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ, आप चुनाव करके बता दीजिएगा। पहला है मेट्रोपोलिसिस, दूसरा है टेक महिंद्रा, इन दोनों में से क्या चुने सर? जी रिम्पी जी, इसमें मेरे हिसाब से दोनों अगर मैं चार्ट कंपेयर करूं विदाउट एनी बायस तो मुझे लग रहा है कि जो ब्रेकआउट की कोशिश टेक महिंद्रा कर रहा है उसको मैं ज्यादा बिलीव करूंगा और ये फिलहाल 1650-1655 के रेंज में चल रहा है। मैं सिर्फ 10 पॉइंट के लिए वेट करूंगा, ये 1665 क्रॉस कर दे मैं इसको बाय कर लूंगा, तो बाय एट 1665 1665 और स्टॉप लॉस आपको इसमें रखना होगा 1610 का 1610। आप इसमें टारगेट रख सकते हो बहुत कंफर्टेबली 1750 टारगेट 1 और 1775 टारगेट 2, बट याद रखिए सब्जेक्टिव ट्रेड है, 1665 के ऊपर ही बाय कीजिए। ठीक है, टेक महिंद्रा का अभी टारगेट स्टॉप लॉस आपको लिखा आ जाएगा 1665 के ऊपर बाय करना है, 1750 का आपका टारगेट होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अभी 10 रुपये रुक जाइएगा, ऑल दो डे हाई पे है बट फिर भी थोड़ा रुकना चाहिए, बैंकिंग और IT आमने सामने खड़े होते हैं, तो एक बार वेट एंड वॉच करके ही सौदा आप लीजिएगा, स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। प्रशांत जी, जरा जल्दी से अपनी ट्रेडिंग कॉल्स आप बता दीजिए। डिबी जी, एक तो मेरी ट्रेडिंग कॉल हमारे डिस्कशन में ही कवर हो गई जो थी डॉक्टर रेड्डीज की 4650 की कॉल। दूसरी जो कॉल मैं देना चाहूंगा वो होगा एक्सिस की 710 की पुट 15 और 18 रुपए के बीच में खरीदने को दिसंबर की 710 स्ट्राइक प्राइस, इसका स्टॉप लॉस में रखूंगा 8 रुपए और टारगेट 35। इसकी आपको जस्ट 10 सेकंड में वजह बता दूंगा,
आप इसका जो गिराव हुआ था मार्च 2020 में, उसका मंथली हाई देखो 715 है, तो वहां पे एक बड़ा बेयर ग्रिप है, वापस इस ग्रिप में वो आ चुका है, वहां पे रैली कर रहा है। तो मैं एक छोटी सी रिस्क लेके एक्सिस शॉर्ट करना चाहूंगा, और जैसा मैंने कहा 710 की पुट एक बहुत अच्छा लॉजिकल ट्रेड होगा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 8 रुपीज। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अलग अलग स्टॉक्स पर अपनी राय रखने के लिए, बताने के लिए कि इनमें सब में क्या करना चाहिए।